तो दोस्तों, किस आदमी को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है, यानी पैट्रियट और पैट्रियट्स कहा जाता है? किस डैम में इतना ज़्यादा पानी है कि पृथ्वी की घूमने की गति भी रुक गई है? दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, जानने के लिए बने रहें। मगरमच्छ के मुँह में कितने दांत होते हैं? और किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? यदि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल रीजन इट जीके पर। चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते अपने प्रश्नों के महाजाल। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, हु इज नोन एज अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है एडॉल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, हिरोहितो, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे, जबकि अन्य कांग्रेस नेता भारत के डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इसलिए त्याग पत्र देकर INA और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वे जर्मनी गए, हिटलर से मिले तथा जापान गए और भारत के स्वतंत्रता का भरसक प्रयास किया। इन्हीं कारणों के कारण उन्हें महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त उपाधि से सम्मानित किया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच डैम हैज स्लोड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, किस डैम ने पृथ्वी के घूमने की स्पीड को ही स्लो कर दिया है? और आपके ऑप्शन है असमारा डैम, थ्री गॉर्जेस डैम, अतातुर्क डैम, भाखरा नांगल डैम। इसका सही उत्तर होगा थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। यह पृथ्वी के रोटेशन स्पीड को 0.06 सेकेंड कम कर दिया है। यह चाइना में है। इस नदी में 39 ट्रिलियन केजी पानी भरा जाता है। यह 175 मीटर ऊंचा है। यह यांग ससिक्यांग नदी पर बना हुआ है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। माना जाता है कि इस बांध के टूटने से पूरा नॉर्थ चाइना ही तबाह हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर है थ्री गॉर्जेस डैम, जो चाइना सरकार के माथा का दर्द बनी हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ ऑल टाइम, अभी तक के संसार में, संसार बनने से लेकर अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन रहा है? तो आपके ऑप्शन है स्टैचू ऑफ कोलोसस ऑफ रोड्स, स्टैचू ऑफ सेंट हेलेना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ हैंगिंग बुद्धा। इसका सही उत्तर होगा द स्टैचू ऑफ कोलोसस ऑफ रोम। कोलोसस ऑफ रोम रोमन गॉड हेलोस यानी सूर्य देवता की मूर्ति है। यह 912 फीट ऊंचा यानी लगभग 280 मीटर ऊंचा था। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक था। यह ग्रीस के पोर्ट हार्बर पर स्थित था। यह भूकंप में टूट गया और सिर्फ इसका 108 फीट का ढांचा बच गया, जो अभी भी है। और उस समय के कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस मानते थे कि यह 108 फीट ऊंचा ही है, बल्कि यह 912 फीट ऊंचा है। सच्चाई यह है। और अभी के दुनिया में सबसे ऊंची जानते ही स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के नर्मदा नदी पे बनी हुई है। हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने यह रहा, हाउ मैनी टीथ डज हैव ए क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास कितनी दांतें होती है? और आपके ऑप्शन है 70, 80, 90, 82। इसका सही उत्तर होगा 82। मगरमच्छ के मुंह में 80 से 82 दांतें होती है। यह काफ़ी नुकीली होती है और ज़्यादातर दांत कैनाइन होती है, जो कार्निवोरस एनिमल के खाने में बहुत मददगार होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 82। हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न आपके सामने यह रहा, इन विच कंट्री 5 suns are seen, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? और आपके ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, चाइना, अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर होगा चाइना। चाइना में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। यह चमत्कार चाइना के नॉर्थ पार्ट्स में होता है, जिसे इनर मंगोलिया भी कहा जाता है। इसे एलिगिटिमेट एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना या फैंटम सन या आइस हैलो भी कहा जाता है। इसके बनने के पीछे एक रोचक प्रक्रिया है। यह प्रभाव हवा में डस्ट और पानी के क्रिस्टल्स के कारण रिफ्लेक्ट हुई लाइट यानी रोशनी से उत्पन्न होती है। इसे स्टेरिकेरियस क्लाउड में उत्पन्न होता है और यह चाइना के जेनजियांग लेबोरेटरी में सिद्ध हुआ है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा चाइना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जीके के रोचक फैक्ट्स और ज्ञान जानने के लिए। धन्यवाद।